आज का हमारा बायो का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ब्लड ग्रुप चेकिंग सीखेंगे, किस तरह किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो चेक किया जा सकता है। तो किसी भी शख्स का ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हमारे पास जो चीजें होनी चाहिए वो क्या है, एंटी सीरा हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास तीन तरह के एंटी सीरा है। तो ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है बॉटल छोटी सी, तो इसको एंटी सीरम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी सीरम ए कहते हैं। और ये येलो कलर में जो है सीरम उसको हम एंटी सीरम बी कहते हैं, एंटी सीरम बी। और ये ट्रांसपेरेंट कलर में जो है इसको हम एंटी सीरम डी कहते हैं। यानी हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो कितनी तरह के हैं? चार तरह के हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो हमने करना क्या है, जिस शख्स का ब्लड ग्रुप हमने टेस्ट करना है और ये पता लगाना है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसको हम बुलाएंगे। आप आ जाए। तो ये हमारे पास उसकी फिंगर को प्रिक करने के लिए हमारे पास खास किस्म की नीडल्स हैं, जिनको हम प्रिकिंग नीडल कहते हैं, या इनका दूसरा नाम क्या है, ब्लड लैंसेट नीडल। ठीक है। तो ये डिस्पोजेबल होती है, इनको एक दफा इस्तेमाल करके फेंक देना होता है। तो ये उसके ऊपर से हम इसका ये उतारेंगे। ये देखें, ये छोटी सी नीडल आपको नजर आ रही होगी, तो इसको हम प्रिकिंग नीडल कहते हैं। तो जिस बंदे का ब्लड ग्रुप चेक करना है उसकी हम फिंगर लेंगे, और ऐसी फिंगर लेंगे जिसमें उसका ब्लड जो है वो खासी अच्छी मिकदार में आ रहा हो। तो उसके लिए हम फिर एक स्लाइड ले लेंगे, ये एक स्लाइड साथ में लेंगे ताकि इसके ब्लड ड्रॉप्स को हम यहाँ पे रख सकें और फिर चेक कर सकें। तो ये हमारे पास एक स्लाइड यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम इतना खून जो है वो निकालेंगे ताकि ये तीन कतरे जो है वो बन जाएं। ठीक है। यानी इस बच्चे के अंदर खून की कमी है। ये देखें, एक ही कतरा निकला है, तो इसको हम देखें, ये किधर हो गया। ठीक है, नहीं आ जाएगा, अपनी टेस्टिंग के लिए हमारे पास हो जाएगा। ये किधर आ गया, ठीक है। ये ब्लड के तीन ड्रॉप्स हमने स्लाइड पर ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक ब्लैक मार्कर मुझे दे। ये तीनों हमारे पास एंटी सीरम पड़े हुए हैं, एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी और एंटी सीरम डी। तो स्लाइड पे हम मेंशन कर देंगे कि यहां पे हमने कौन सा डालना है, ए, यहां पे हमने बी डालना है और यहां पे हमने डी डालना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हम लेते हैं कौन सा, एंटी सीरम ए। एंटी सीरम ए हम लेंगे और इसका एक ड्रॉप जो है हम इस ब्लड ड्रॉप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, हमने ऐड कर दिया, इसका एक ड्रॉप ऐड करके रख देंगे। अब हम लेंगे एंटी सीरम बी, तो दूसरा जो ड्रॉप है उसमें हम एंटी सीरम बी का एक ड्रॉप ऐड करेंगे। ये क्योंकि वो थोड़ा सा था, पता चल जाएगा उसमें क्या होगा। अच्छा, अब एंटी सीरम आखिरी जो ड्रॉप है उसमें एंटी सीरम डी डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको भी मिक्स कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। अब थोड़ी देर के लिए हम इस स्लाइड को छोड़ देंगे, तब तक वीडियो पास कर। ये देखिए जी, ये हमने इस स्लाइड को कुछ देर के लिए छोड़ा और इसके साथ ये देखें, ये मामला हो गया। यानी ये देखें ब्लड ग्रुप इसका क्या है, बच्चे का
यानी ए पे एग्लूटिनेशन नहीं हुई, यानी कोगुलेशन नहीं हुई है, बी पे एग्लूटिनेशन हुई है और साथ में डी पे, इसका मतलब है ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव। तो मैं आपको एक दफा फिर बताते चलूं कि ए पे भी कोगुलेशन हो, बी पे भी हो और डी पे भी हो, तो उसका मतलब क्या है, ए बी पॉजिटिव। अगर ए बी पर हो, डी पर ना हो, तो ए बी नेगेटिव। अगर किसी पर ना हो, ना ए पर हो ना बी पर ना हो, पर इसका मतलब क्या है, ओ नेगेटिव। तो अब ये क्या हुआ, बी पर हुआ, अब ये मिक्स हो गया है, बी पर भी हुई थी एग्लूटिनेशन और डी पर भी, इसका मतलब क्या था, बी पॉजिटिव। तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। अब हम नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं।